फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, टॉर्शन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा हुआ था। इस वीडियो में हमारे पास जो टॉर्शन इक्वेशन निकल कर आया हुआ था उससे हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं और फाइनली हम लोग ये निकालने की कोशिश करेंगे कि जो अभी हमारे पास, जैसा कि हमने देखा, सेंटर पे अगर हम लोग बात करें न्यूट्रल एक्सिस पे, तो शियर स्ट्रेस आपका मिनिमम होता है जो टॉर्शन शियर स्ट्रेस है, और सरफेस पे आपका मैक्सिमम होता है। लेकिन कितना मैग्नीट्यूड निकल कर आता है ये चीजें अभी तक हमने नहीं निकाली है। इस वीडियो में हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किसी भी, अगर आपके पास कोई बी शाफ्ट है उसमें अगर आपको टॉर्शन निकालना हो तो टॉर्शन शियर स्ट्रेस कितना होगा, कितना एंगल ऑफ ट्विस्टिंग होगी, और भी नंबर्स ऑफ जो चीजें हैं वो सब चीजें हम लोग कैलकुलेट करना देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो देखिए टॉर्शन इक्वेशन में सबसे पहले तो आपको मैं पहले ही ये चीज बोला था कि इक्वेशन को चाट जाओ, तो नो डाउट ये जो इक्वेशन है आई होप आपको याद हो गया होगा। वो इक्वेशन हमारे पास क्या आया हुआ है, That is equal to T by J, J और IP, ठीक है, that is equal to tau by R, और ये हमारे पास आया था which is equal to C theta by L। तो ये हमारे पास जो आया हुआ है ये हमारे पास है टॉर्शन इक्वेशन, ये जो हमको दिख रहा है ये हमारे पास है टॉर्शन इक्वेशन। और इस टॉर्शन इक्वेशन को ही लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस पे हम लोग टर्म्स को बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको हम लोग नाम देते हैं ए का, इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी का, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी का। तीनों को अलग अलग तरीके से हम लोग रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं ए और बी के साथ। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ए एंड बी जो हमको दिख रहा है इसपे आपको क्या क्या इक्वेशन दिख रहा है। फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो T by J that is equal to tau by R, इस चीज को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं। हमको यहाँ पर देखिए टॉर्शन शियर स्ट्रेस निकालना है, that is the tau T, ठीक है। tau T इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप शियर स्ट्रेस के कंफ्यूजन से बचे। जो हम लोग tau लिखते हैं that is the shear stress, tau T जो मैंने लिखा हुआ that is the torsional shear stress। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं tau T निकालता हूँ तो tau T equal to आपको क्या दिखेगा, which is equal to T R by J, और जो आपको J दिख रहा है दैट इज द पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग IP या J लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं तो tau of T इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं T डिवाइड बाय J बाय R, ये लिखा जा सकता है। यही चीज अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, बेंडिंग स्ट्रेस में लिखा हुआ था। बेंडिंग स्ट्रेस में अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहानी लिखी हुई थी, बात करते हैं। पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ tau T, तो tau T इक्वल टू हमको क्या मिला हुआ है, T डिवाइड बाई J by R, और Z by R को हम लोग लिखते हैं that is the ZP, ठीक है। और यहां पर जो हम लोग ZP हमने लिखा हुआ है that is called polar section modulus, ठीक है। ये जो हमको मिला हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is called polar section modulus, ठीक है। और यहीं पर अगर आपको याद हो bending stress हमको क्या मिला हुआ था, अगर हम लोग बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो हमको क्या मिला था, एम बाई जेड, याद है। तो यहाँ पर हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस आया हुआ था, तो ये जस्ट यहाँ पे लिखना नहीं है, जस्ट आपको कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको जो दिखा है डेट इज द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर ये बेंडिंग स्ट्रेस और ये आपका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारे पास टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आया है जेड पी दैट इज द पोलार सेक्शन मॉडुलस, और इसी के बारे में हमको बात करनी है। जेड पी देखिए अगर हम लोग बात करें तो जेड पी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर जेड पी इक्वल टू हमने क्या लिखा हुआ है, जे बाई आर। जेड पी इक्वल टू हमने क्या लिखा हुआ है, जे बाई आर। अब यहाँ पर बात करेंगे तो ये आर आपका क्या मिल रहा है देखते हैं। देखिए ये आपका डिपेंड करेगा, जैसे आपका पोलार, देखिए आपका पोलार क्या है, मॉडुलस, पोलार सेक्शन मॉडुलस है जेड पी। तो यहाँ पर ZP आप देखते हैं कि सॉलिड जो आपका शाफ्ट है या हॉलो शाफ्ट है तो उसके लिए क्या क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या, फॉर सॉलिड शाफ्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए, तो इसके लिए मान लीजिए कि सपोज इसका जो डाया है, ये डाया हम लोग कितना कंसिडर कर लेते हैं, इसका जो डाया है इसका मान लो हम लोग ले लेते हैं कैपिटल डी। तो यहाँ पे अगर मैं इसके लिए निकालूंगा क्या ZP, तो ZP इक्वल टू आपको मिलेगा J। J आपके पास क्या मिलता है,
जे हमको क्या मिलेगा, दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक्स एक्स और वाई वाई है, तो ये चीज हमने बेंडिंग स्ट्रेस में भी पढ़ा हुआ है। ये आपको क्या निकल कर आता है, दैट इज द पाई बाई 32 डी की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास आया पोलर सेक्शन मॉडुलस। अगर आप देखना चाहते हो जेड पी कैसे निकलता है, तो जेड पी इक्वल टू आपका होता है दैट इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई ऑफ वाई वाई। ठीक है, ये आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन, आपको देखो डेफिनेटली चीजें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है, लेकिन कहां से आता है तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आपका आई पी है या जेड पी है, ये आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास जो वर्टिकल मिल रहा है ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होता है, डेट इज इक्वल टू पाई बाई 64 डी की पावर 4, यही होता है। प्लस वाई वाई एक्सिस के अबाउट क्या मिलेगा, पाई बाई 64 डी की पावर 4, यही तो मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जेड पी को लेकर, तो फाइनली जो जेड पी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एड करेंगे तो ये आपको मिलेगा पाई बाई 32 डी की पावर 4, और यही सिनारियो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज जस्ट आपके रेफरेंस के लिए था कि ये हमारे पास जो अभी निकल कर आया हुआ है, ये हमारे पास सर्कुलर सेक्शन के लिए पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अगर मुझे यहाँ पर जेड पी यहाँ पर जो मैंने निकाला हुआ, इट इज नॉट जेड पी सॉरी, ये आपको जे है, दैट इज द पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जेड पी नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैंने जे निकाला हुआ है। व्हाट इज जे, जे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जे जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज द पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज कॉल्ड पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये आपको जो मिला हुआ है दिस इज द पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमको और क्या चीजें दिखेगी, इस चीज को समझिएगा। जो हमको जे मिला है दैट इज इक्वल टू पाई बाय 32 डी की पावर 4, अब हम इसको रखते हैं तो यहाँ पर ये सॉलिड शाफ्ट के लिए जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, तो इसके लिए अगर हम लोग जेड पी निकाले तो जेड पी इक्वल टू क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा पाई बाय 32 डी की पावर 4। ठीक है, डिवाइड बाई आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दिस इज इक्वल टू डी बाई 2। सॉल्व करेंगे तो जेड पी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेट इज द पाई बाई 16 और ये आपको मिलेगा क्या, डी क्यू, यही मिला। अब यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ क्या टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, तो यहाँ पर फाइनली अगर आप देखोगे तो टाउ टी इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, टाउ ऑफ टी। तो टाउ ऑफ टी इक्वल टू देखो टी तो आपका एज इट इज है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन, और जेड पी की अगर बात करेंगे तो ये हमको कितना दिखेगा, विच इज इक्वल टू ये आपका जेड पी है पाई बाय 16 डी का क्यूब। क्लियर है यहाँ तक, तो ये जो अगर आप फाइनली देखोगे तो यहाँ से जो मेरा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आया टाउ ऑफ टी, तो टाउ ऑफ टी इक्वल टू क्या आ गया, 16 टी डिवाइड बाई पाई डी क्यू। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिनती नहीं है, कितने बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जहां पर ये चीज ना पूछा हो। ठीक है, ये आपको जो निकल कर आया दिस इज द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम जगह ध्यान रखिएगा टाउ भी लिख देता है, तो जो टाउ लिखा हुआ है उसी को मैंने टाउ टी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि ये आपका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है। और यहाँ पर एक चीज और, अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ ये भी आपका इंपॉर्टेंट है टी, तो टी इक्वल टू आपको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू यहाँ से आप देखोगे तो पाई बाई 16 टाउ टी, ये जो आपको दिख रहा है, इन टू डी का क्यू। ठीक है, तो ये आपको अगर आपको उस बॉडी में, जैसे आपको बॉडी में अगर टॉर्क निकालना हो तो वहां पर निकाल सकते हैं, या आपको टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो ये भी कहानी हम लोग आगे कर सकते हैं। तो यहां से हमको ये चीज समझ में आया टॉर्शनल शियर स्ट्रेस की कहानी। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है शाफ्ट के लिए आया हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो ये जो आपका शाफ्ट है, जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो निकल कर आया हुआ है, वो आपका एक जो टॉर्क है और एक आपका जो डाया है उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब यहां से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा इस फॉर्मूले से पर्टिकुलर अगर इस फॉर्मूले की बात करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कि जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है, अगर इसमें हम लोग बात करें पर्टिकुलर इस फॉर्मूले से, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है दैट इज द टाउ टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इस कंडीशंस पे अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये जो हमको मिला हुआ है टाउ टी दैट इज द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन।
मतलब मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टॉर्क पे डिपेंड कर रहा है, और आपका क्या है डाया पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, जो आपके पास टॉर्सनल टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है, किसी भी बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो शियर स्ट्रेस ज्यादा रहना चाहिए कि कम रहना चाहिए? डेफिनेटली अभी तक हमने एक्सियल स्ट्रेस पढ़ा है, बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ा है, शियर स्ट्रेस पढ़ा है, जितने भी तरीके के हमने स्ट्रेस देखा है, हमेशा बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम से कम इंड्यूस होना चाहिए, क्योंकि आपका जो बॉडी या कोई भी मटेरियल फेल होता है तो वो स्ट्रेस के कारण ही होता है। अगर उसमें जो अप्लाइंग स्ट्रेस है उसके परमिसिबल स्ट्रेस जितना वो एग्जिस्ट कर सकता है, जितना वो सस्टेन कर सकता है, उससे अगर ज्यादा स्ट्रेस हो तो डेफिनेटली मटेरियल जाके वहां पर फेल हो जाता है। तो यहां पर भी हमारी कोशिश क्या होगी कि जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है वो हमारा क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो इसमें अगर हम लोग एक बार सिनेरियो देखें, तो अगर मान लीजिए यहां पर मैं ZP, व्हाट इज ZP, ZP इज द पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो अगर देखो यहां पर मैं ZP की वैल्यू रखता हूं हाई, तो ZP की वैल्यू अगर मैं रखूंगा हाई तो उसके चलते आपका हो जाएगा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ZP अगर मैं यहां पे हाई करता हूं तो इसके चलते जो हमारा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। और टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कम होने का मतलब क्या है, मटेरियल आपका फेलियर से बचेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपका डिजाइन क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, डिजाइन आपका क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, और जो लाइफ है, ठीक है, कोई भी आपका जो डिजाइन का लाइफ है वो आपकी क्या होगी, हाई होगी। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो यहां पर देखिए हमने जो बात किया है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस को लेकर बात किया है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आपको क्या करना है, आपको कम से कम रखना है। तो इसके लिए पोलार सेक्शन मॉडुलस आपको डेफिनेटली बढ़ाना होगा। और जैसा कि याद करिए हम लोग जब बेंडिंग स्ट्रेस में पढ़े थे M by Z, तो Z को हमने क्या शो किया था, दैट इज द स्ट्रेंथ, कोई भी आपका बीम है उसका स्ट्रेंथ। उसी तरीके से शाफ्ट का अगर आपको स्ट्रेंथ बोलेगा तो ZP आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो ZP आपको जो है रिप्रेजेंट, ये जो ZP है रिप्रेजेंट क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट, रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, तो ये जो हमको मिला हुआ है फ्रेंड्स, ये आपका ZP है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर सेक्शन मॉडुलस। और ये आपका क्या है, जो आपका शाफ्ट होता है उस शाफ्ट के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास जो मैंने बात किया, ये किसके लिए किया हुआ है हमने, सॉलिड सेक्शन के लिए। तो सॉलिड सेक्शन के लिए फाइनली जो हमने देखा हुआ था जे, वो आपका क्या आया हुआ है, ये आपको आया हुआ है पाई बाई 32 डी की पावर 4, ये आपका वाई वाई है। ठीक है, तो ये आपका जो जे है, दिस इज द पाई बाई 32 डी की पावर 4। यहां से ये फॉरवर्ड आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, सॉलिड शाफ्ट के लिए डायरेक्ट पूछा हुआ है, स्पेशली ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर मेरे पास हॉलो शाफ्ट हो, जैसा कि हमने अभी देखा था सॉलिड शाफ्ट के लिए, अगर मेरा हॉलो शाफ्ट हो तो उस कंडीशन के लिए क्या होगा। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें फॉर हॉलो शाफ्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं फॉर हॉलो शाफ्ट के लिए, तो हॉलो शाफ्ट में आपकी कहानी क्या दिखेगी, ये आपका एक शाफ्ट और दूसरा ये, और ये आपका जो है हॉलो शाफ्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, यहां पर देखिए इसका डाया मुझे डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं डाया को लेकर बात करूं तो ये आपको जो डाया दिखेगा, दिस इज द स्मॉल डी, और ये जो आपको डाया दिखेगा ये आपको दिखेगा क्या, कैपिटल डी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे क्या है, देखो ZP तो पहले निकालना पड़ेगा ना, ये जो हमारे पास पोलर सेक्शन मॉडुलस है। तो अगर मैं ZP को लेकर बात करूं तो ZP इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा, ये आपको देखो मिला हुआ है पाई बाय 16 डी क्यू। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई बाय 16। यहाँ पर चलिए पहले मैं जे को लिख लेता हूँ, ज्यादा बेटर है। जे आपका जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे पाई बाय 32 डी की पावर 4 आया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू पाई बाय 32। यहाँ पे आप बात करोगे तो देखो कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। तो ये जो आपको मिला हुआ है, दिस इज द पोलर सेक्शन, सॉरी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको मिला हुआ है, और अगर मैं ZP को लेकर बात करूं, डेट इज द पोलर सेक्शन मॉडुलस, तो ये आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखो ZP जो निकालना है क्या मिलेगा, J बाई आर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया J बाई आर, तो J बाई आर, तो यहाँ पर J की वैल्यू आपको दिख चुकी है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 32, और ये आपको मिलेगा क्या, D की पावर 4 माइनस D की पावर 4, और जो R है ये R की वैल्यू क्या मिलेगी, D बाई 2। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, D बाई 2। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक काम कीजिए, ये D की पावर 4 को आप कॉमन ले आइए, तो जब आप कॉमन ले आओगे तो ZP इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखो ये आपका कैंसिल होगा 2 से ये, तो ये आपको मिला पाई बाई 16। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, डी की पावर 4 को कॉमन लाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मिला 1 माइनस
स्मॉल डी की पावर 4 डिवाइड बाय कैपिटल डी की पावर 4 और डिवाइड बाय ये जो आपको मिल रहा है डिवाइड बाय ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिला क्या डी और बाय 2 तो आपका कैंसिल हो गया है। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा डी क्यू। तो यहां से अच्छा यहां पर हम लोग क्या करते हैं स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इसको एक प्रॉपर रेशियो लिख देते हैं डेट इज के, क्योंकि इसमें डाया तो आपका चेंज होना नहीं है। तो एक हमने कॉन्स्टेंट लिखा हुआ, इस कॉन्स्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं के से। तो जब यहाँ पर आप फाइनली जेड पी अगर आप निकालोगे तो जेड पी इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर दिस इज इक्वल टू पाई बाई 16, ये आपको क्या मिल जाएगा डी से कहानी कैंसल है तो डी क्यू और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 1 - k की पावर 4। ठीक है, तो ये फाइनली जो आपको मिला हुआ है ये आपको क्या मिला हुआ है डेट इज द पोलार सेक्शन मॉडुलस। ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारे पास क्या है पोलार सेक्शन मॉडुलस, और इसी पोलार सेक्शन मॉडुलस को जब हम लोग पुट करेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ये आपका सॉलिड शाफ्ट के लिए आया था यहीं पर मैं आपको हॉलो शाफ्ट के लिए लिख दे रहा हूँ। तो T इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर टाउ T अगर आप निकालते हो तो टाउ T के लिए क्या मिल जाएगा टाउ ऑफ T इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा T डिवाइड बाई जेड पी। तो है ये जो टॉर्क हमने निकाला हुआ यहाँ से देखिए T बाई जेड पी, तो T तो आपका जो लग रहा है जो टॉर्क अप्लाई है जेड पी की वैल्यू क्या हो जाएगी दिस इज इक्वल टू पाई बाई 16 और ये आपको मिलेगा क्या डी क्यू और ये आपको क्या मिलेगा यहाँ 1 - k की पावर 4 1 - k की पावर 4। ये k आपको याद रखना है क्या डायर रेशियो है और यहाँ पर k अगर आप देखोगे तो ऑलवेज आपको क्या दिखेगा लेस देन 1, जो k की वैल्यू है आपको क्या दिखेगी हमेशा लेस देन 1 मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर ये हमको जो मिला हुआ है ये टॉर्शन शियर स्ट्रेस आया हुआ है, अगेन दैट इज इम्पोर्टेंट। सॉलिड शाफ्ट का आपका सबसे ज्यादा एग्जाम से पूछा हुआ है, हॉलो का पूछा है लेकिन हॉलो का कम पूछता है, सॉलिड शाफ्ट के लिए ये आपका जो है ना ये आपका काफी ज्यादा एग्जाम से पूछा हुआ है। और यहाँ से अगर मैं टॉर्क अगर निकालना चाहता हूँ तो टॉर्क भी निकाल सकता हूँ, टी इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू पाई बाई 16, ये आपका टाउ टी डी क्यू और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 - k की पावर 4। ठीक है, पिक्चर कुछ क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर अभी तक क्या है हमने एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस में अभी तक हमने जो दिखा है हमने केवल एक साइड के इक्वेशन को बैलेंस किया है मतलब a इक्वल टू b और जब a इक्वल टू b हमने किया हुआ है तो ये आपको मिला है t बाई j दैट इज इक्वल टू टाउ बाई r। यहाँ से जब हम लोग सिंप्लीफाई किए तो मुझे ये समझ में आया क्या कि अगर आप चाहते हो शाफ्ट के अंदर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्या हो जाए कम से कम इंड्यूस्ड हो तो उसके लिए आपको क्या है कहीं ना कहीं ये जो पोलार सेक्शन मॉडुलस है ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। पोलार सेक्शन मॉडुलस अगर आप जेड पी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं क्या है डाया के टर्म्स में आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है कि पोलार सेक्शन मॉडुलस अगर हम लोग बढ़ाने की इच्छा है मतलब कहीं ना कहीं शाफ्ट के डाया को हमें क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई 16 है तो समझ रहे होंगे ये तो आपका कॉन्स्टेंट टर्म्स है और जो डी क्यू को लेकर बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या है डी क्यू में, तो जेड पी अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो डाया है डाया भी आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये अभी तक हमने जो निकाला था तो याद करिए कि जो हमने जो इस टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाया हुआ था उसमें अगर मैं बात करूं तो याद है हमारा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो बना था उसमें अगर मुझे टाउ टी अगर कोई पूछे कि टाउ टी मेरा कितना डेवलप होगा तो डेफिनेटली ये हमारे पास आया हुआ है। अब सुनिए ये हमने यहाँ पर एक कंक्लूजन लिखा हुआ है क्या कि टाउ टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमको कंक्लूजन मिला हुआ है टाउ टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। मान लीजिए कि सपोज आपके पास दो मटेरियल दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा आपके पास दो मटेरियल दिया हुआ है ये कंसिडर कर लेते हैं, ये मेरे पास एक मटेरियल है ठीक है, इसका एक एंड आपका फिक्स कर दिया गया है, इसपे जो हमारा टॉर्क लग रहा है टी और ये जो आपका मटेरियल है दिस इज द माइल्ड स्टील MS लिखा हूँ माइल्ड स्टील ठीक है, ये आपका एक और हमने मटेरियल लिया हुआ है ठीक है, यहाँ पर भी हमारा जो टॉर्क लगा हुआ है वो हमारा टी लगा हुआ है और यहाँ पर जो आपको है एक एंड आपको फिक्स किया हुआ है और ये है आपका एल्यूमिनियम। मैं डाया को लेके अगर बात करूँ तो दोनों का सेम डाया है, ध्यान रखिएगा दोनों का डाया आपका क्या है सेम है दैट इज द डी ठीक है। और यहाँ पर जब मैं बात करूँ मैक्सिमम स्ट्रेस को लेकर तो मैक्सिमम स्ट्रेस भी आपको क्या है यहाँ पर जो टाव मैक्सिमम है ये आपको सपोज एक एग्जाम्पल ये आपको 100 MPa दिया हुआ है ठीक है, दोनों का डाया सेम है दोनों में टॉर्क सेम लग रहा है लेकिन यहाँ पर मटेरियल आप देख रहे हो अलग अलग है,
यहां पर आपको मैक्सिमम स्ट्रेस जो मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेस ध्यान रखिएगा दिस इज द टाउ टी ऑफ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कितना 100 मेगा पास्कल, आपको यहां पर टाउ टी ऑफ मैक्सिमम निकालना है। माइल्ड स्टील का दिया हुआ है, आपको एल्यूमिनियम के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये बताइए इसमें मुझे अगर मैक्सिमम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो आपको आएगा कितना आएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, दो मटेरियल है, दो बार है मेरे पास, दो शाफ्ट है, दोनों का डाया सेम है, एक माइल्ड स्टील का एक एल्यूमिनियम का है, मतलब मटेरियल अलग अलग है। यहां पर बात करें तो दोनों में आपका सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क अप्लाई हो रहा है, अगर पहले में टी है तो सेकंड वाले में भी आपका टी है, और टी की अगर मैं यूनिट देना चाहता हूं तो चलिए मैं टी की यूनिट भी दे देता हूं, डेट इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर, ठीक है। यहां भी मैं आपको दे देता हूं टी ही लगा हुआ है, डेट इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहां पर अगर एक में आपको टॉर्शनल मैक्सिमम दिख रहा है 100 मेगा पास्कल, तो सेकंड वाले में कितना होगा, तो डेफिनेटली हमने ये चीज देखा हुआ है क्या कि जो आपका टाउ टी है वो कहीं ना कहीं क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। और यहां पे अगर आपको दिख रहा होगा तो जो टाउ टी है केवल टी और डाया पे डिपेंड कर रहा है, ये अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो टाउ टी पे हमारी डिपेंडेंसी है केवल टी और डी पे डिपेंड कर रही है, जो कि दोनों के लिए आपका सेम है क्योंकि दोनों में टॉर्क सेम है, दोनों का डाया सेम है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे मैक्सिमम आपको 100 मेगा पास्कल लग रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम कितना आएगा, सेम अमाउंट ऑफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हुआ जो चीज पे मैंने बात किया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फाइनली मैं ये लिख सकता हूँ क्या कि जो टाउ टी है, टाउ टी इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ पे जैसा अगर मैं बात करूं टाउ टी दैट इज द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, टाउ टी इज द फंक्शन ऑफ, किसका किसका फंक्शन आ रहा है आपका टॉर्क का और सेकंड चीज डाया का, यही तो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कंडीशन में तो आपका टी आपका सेम है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा इस कंडीशन पे देखोगे तो टाउ टी ऑफ मैक्सिमम जो है एल्यूमिनियम माइल्ड स्टील के लिए, टाउ टी ऑफ माइल्ड स्टील जो है ये आपका इक्वल हो जाएगा किसके, टाउ टी ऑफ किसके लिए, डेट इज इक्वल टू एल्यूमिनियम के लिए, और ये आपका किसके बराबर होगा, डेट इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल। मतलब इसका अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 100 मेगा पास्कल। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई लोग 50 मार के आते हैं, कई लोग क्या दूसरा ऑप्शन चूज करके आते हैं, आपको ऑप्शन डेफिनेटली मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिया हुआ है, सीधा सीधा आपको ये चीज बताया हुआ है, कंसेप्ट को पकड़िए कि यहाँ पर आपका दोनों का क्या लेंथ भी आपको सेम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लेंथ मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको लेंथ भी आपको सेम दिया हुआ है, तो इस कंडीशंस पे अगर मुझे मिलेगा तो माइल्ड स्टील एल्यूमिनियम 100 मेगा पास्कल। रीजन क्या है, अगर मैं यहाँ पे रीजन को डिफाइन करना चाहूँ तो क्या होगा, जो आपका टॉर्क है और डाया बोथ है सेम फॉर बोथ दी मटेरियल, यहाँ पे मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, एक तो आपका टॉर्क एंड डाया, ठीक है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम फॉर द बोथ मटेरियल, ठीक है। अब बोथ मटेरियल रहे चाहे चार मटेरियल रहे वो मैटर नहीं करेगा, मैटर आपका वो करेगा कि जो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के जो शियर स्ट्रेस दिख रहे हैं, ठीक है, वो आपका टॉर्क और डाया पे डिपेंड कर रहा है, तो टॉर्क और डाया हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हमारे पास आया हुआ है, ये हमारे पास ए और बी हमने इक्वेशन को इक्वेट किया हुआ है। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए दूसरा बी और सी को इक्वेट करके, तो इसमें देखिए अगर मैं बी और सी को अगर फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी करते हैं तो आगे की कहानी देखते कि अब हमको क्या रिलेशन यहाँ पर दिखेगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, तो यहां से अगर आप इक्वेट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस एक अलग ही रूप में आपको दिखेगा, ठीक है। हमारी कोशिश हमेशा क्या होनी चाहिए कि बॉडी के अंदर जो आपका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आ रहा है वो आपका कम से कम हो, इस तरीके से हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं क्या, यहां पे जैसे अगर हम लोग बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी, तो बी एंड सी के साथ अगर आप देखो तो आपको क्या चीजें दिखेगा यहां पर, ये आपको मिलेगा देखो टाउ टी बाई आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा सी थीटा बाई एल, क्लियर। बी और सी को मैं मैनेज कर रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं टाउ ऑफ टी निकालू तो टाउ ऑफ टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा सी आर थीटा बाई एल, ये तो मिलेगा, ये आपको यहाँ पर मिल गया क्या, जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस मेरे को मिल रहा है वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो सी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन रेडियस थीटा और एल, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया है। अब इस रिलेशन को देखिए, ध्यान रखिएगा अभी मैंने इसको इक्वेट किया था तो मटेरियल पे डिपेंडेंसी नहीं आ रही थी, इस केस में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं डाया जो रेडियस या डाया है
उसके साथ आपका क्या मटेरियल पे आपकी डिपेंडेंसी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं तो टॉर्शन शियर स्ट्रेस के साथ क्या चीजें हो सकती है, जो आपका टाउ टी जो आपका फंक्शन दिख रहा है, मतलब जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है इज द फंक्शन ऑफ किसका किसका फंक्शन है, सबसे पहले सी, यहाँ पे दिख रहा है आर थीटा एंड एल, ठीक है। तो ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है सी आर थीटा एल की कहानी है, जो आपको क्या दिख रहा है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस के साथ। तो यहाँ पर एक रिलेशन मुझे मिला हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास कोई मटेरियल है, उस मटेरियल का आपको लेंथ गिवन है, इवन डाया भी गिवन है, और अगर मैं बात करूं तो लेंथ भी आपका गिवन है, मतलब इफ यहां पे बात करूं, इफ लेंथ एंड डाया, लेंथ एंड डाया ऑफ द शाफ्ट इज गिवन। अब ये बताइए कि अगर कोई शाफ्ट है जिसका लेंथ और डाया दोनों आपका गिवन है, मतलब लेंथ का मतलब एल कॉन्स्टेंट हो गया, डाया का मतलब आर कॉन्स्टेंट हो गया, देखते जाओ एल कॉन्स्टेंट हो गया आर कॉन्स्टेंट हो गया, और कोई शाफ्ट होगा तो उसका डेफिनेटली कोई सी होगा, सी तो आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो शाफ्ट बना होगा कोई भी मटेरियल से बना हो, कंपोजिशन बना हो, एक बार उसका जो सी डिसाइड हो गया तो डेफिनेटली क्या हो गया, सी भी कॉन्स्टेंट हो गया। तो उसके लिए आपका क्या, ये पूरा का पूरा जो पैरामीटर है, ये पूरा पैरामीटर आपका निकल कर आ गया कॉन्स्टेंट। तो फाइनली मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या, कि जो मुझे टॉर्शनल शियर स्ट्रेस मिल रहा है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये जो हमको टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो मिल रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। कहने का ये मतलब है क्या, कि जैसे जैसे आपका क्या है एंगल थीटा वेरी करेगा, वैसे वैसे आपका क्या है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस बढ़ेगा, मतलब किसी भी बॉडी में। देखिए नो डाउट, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई शाफ्ट है, ठीक है, ये मेरे पास कोई शाफ्ट है, इसको हमने क्या है एक एंड को फिक्स कर दिया, इस पे एक एंड पे हमने क्या है टॉर्क टी लगाया हुआ है। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखिए इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ हमने कितना लिया हुआ है एल, इसका अगर मैं डाया को बात करूं तो डाया हमने लिया हुआ है डी, और इसका जो सी है व्हाट इज सी, सी इज द आपका जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी जो है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एल आर सी ये तो आपका कॉन्स्टेंट है, तो टाउ टी कुल मिला के थीटा की अगर बात करें तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कम हो, तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग थीटा को लेकर बात कर रहे थे, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो यहाँ पे कुल मिला के मैं कहानी बोल सकता हूँ क्या, कि थीटा आपका क्या होगा कम होगा, थीटा अगर आप कम लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या है बॉडी के अंदर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्या होगा कम होगा। देख लो यहाँ पे, ठीक है, थीटा कम होगा मतलब बॉडी के अंदर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कम होगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कम होगा तो मटेरियल की जो लाइफ है वो बढ़ेगी, डिजाइन आपका ज्यादा सेफ होगा, ठीक है, तो मटेरियल आपकी लाइफ क्या होगी यहाँ पर बढ़ेगी। कहानी कुछ क्लियर हुआ, चीजें कुछ क्लियर है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को समझिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि पिछले बार मैंने जो बात किया था ए और बी को लेके बात किया था, इस बार मैंने बी और सी को लेके बात किया है, जिसमें हमें ये रिजल्ट मिला हुआ है, जो आपका थीटा कम हो रहा है, थीटा कम हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं क्या है टॉर्शनल शियर स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंडीशन आया, तो एक चीज तो हमको समझ में आ गया क्या कि थीटा के साथ वेरी कर रहा है, दूसरा चीज ये भी बोल सकते हैं क्या, अगर आपको थीटा गिवन है तो कहीं ना कहीं जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है वो एल आर और ये आपका जो सी है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, इफ अगर यहाँ पे इसका अपोजिट कर लो, इफ थीटा इज गिवन, ठीक है, अगर थीटा आपको गिवन है तो जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस है ये आपका फंक्शन बनेगा, फंक्शन किसका किसका बनेगा, सी आर और एल का, तो सी लिखो चाहे आर लिखो, सी आर एंड एल का। तो ये आपके पास अलग अलग पैरामीटर है जिसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं, और ये चीज आप डेफिनेटली चीजों को देख सकते हो। तो अभी जो हमने किया इक्वेशन ए और बी को कर चुके हैं, बी और सी को कर चुके हैं, अब हम लोग ए और सी पर आते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं बाई इक्वेटिंग इक्वेशन बी एंड ए एंड सी, ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या है, बाई इक्वेटिंग बी एंड सॉरी ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी ये हमको निकलना है। तो ए एंड सी को अगर आप इक्वेट करोगे तो देखो क्या मिलता है, ये आपको मिलेगा टी बाई जे विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा सी थीटा बाई एल, यही तो मिलेगा। अब आइए इसको बाद यहां सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये जो हमको रिलेशन मिला है टी बाई जे इक्वल टू सी थीटा बाई एल, तो अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ व्हाट इज टी टॉर्क, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या सी थीटा जे बाई एल,
ये तो आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है, लेकिन आप इसको याद रखिए, कितना सारा ये सब चीजें याद रखोगे। हमको क्या है, कुछ कंक्लूजन को देखना है और वहां से हमें कुछ सीखना है, ठीक है। तो ये जो हमको मिला हुआ है, डेट इज द सी थीटा जे बाई एल, क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पर ये जो चीज हमको मिला हुआ है, अगर मैं यहां पर निकालना चाहता हूं, क्या एक यहां पर वर्ड यूज होता है डेट इज कॉल्ड टॉर्सनल रिजिडिटी, यहां पर जो वर्ड यूज होता है डेट इज कॉल्ड टॉर्सनल रिजिडिटी, और ये आपको ध्यान रखिएगा। एक तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस, ये जो है हम लोग बात कर लेते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस, और जो टॉर्सनल स्टिफनेस होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी बाई थीटा, ये ध्यान रखिएगा क्या होता है टी बाई थीटा। तो टी बाई थीटा इक्वल टू अगर मैं यहाँ पे निकालू तो ये आपको क्या मिलेगा, जी या सी जो भी हम लोग लिख रहे हैं, ये आपको मिलेगा जी जे बाई एल, सी लिखो या जी लिखो एक ही बात है। तो ये जो मेरे को मिला हुआ टॉर्सनल स्टिफनेस, दैट इज द अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपका टॉर्सनल स्टिफनेस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। आप इसको कई लोग रटते हैं, इसको रटना नहीं है, अगर आप इस इक्वेशन में आ जाओ, ये जो आपका बेसिक इक्वेशन है, तो टी बाई थीटा निकाल लो, आपको खुद ही मिल जाएगा टॉर्सनल स्टिफनेस, कहानी क्लियर है। अब ये बताइए, ये किसी बॉडी के अंदर जो टॉर्सनल स्टिफनेस है ये अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्या ज्यादा रखना इस चीज को बेटर है कि कम रखना इस चीज को बेटर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चीजें कुछ समझ में आएंगी, क्या कि T by theta equal to GJ by L आपको दिख रहा है, और यहाँ पर अगर मैं टॉर्क को लेकर बात करूं यहाँ पर, तो टॉर्क को लेकर आपको क्या दिख सकता है, देखो टॉर्सनल स्ट्रेस जो आपको दिख रहा है, GJ by L की जो आपको कहानी दिख रही है यहाँ पर, इस चीज को देखो, ये आपका GJ, मतलब कहीं ना कहीं मैं लिख सकता हूँ कि अगर थीटा और एल को कॉन्स्टेंट रख लू तो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी जे, ये जी आपका क्या है, डेट इज द मटेरियल आपका जो है, मटेरियल की प्रॉपर्टी, और जी क्या है, डेट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आ रहा है क्या, कि अगर ये मैं जो जी जे है इसकी अगर मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे अप्लाइड टॉर्क बढ़ाना पड़ेगा फॉर द सेम थीटा एंगल और सेम लेंथ के लिए। कहने का ये मतलब है कि अगर आपका ये शाफ्ट है जिसका लेंथ अगर आप एल ले लेते हो, तो अभी आपका क्या है कि जो भी आप टॉर्क लगा रहे हो, अगर इस मटेरियल का जीजे ज्यादा होगा तो सेम अमाउंट ऑफ थीटा के लिए आपको टॉर्क ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला कि ये जो आपका जीजे है ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जो आप टॉर्क लगा रहे हो उसको रेसिस्ट तो कर रहा है, मतलब टॉर्क आपको ज्यादा, जीजे ज्यादा तो टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, जीजे कम है तो टॉर्क कम लगाना, टॉर्क देखो ज्यादा लग रहा है, जीजे की वैल्यू हाई हो रही है मतलब टॉर्क आप ज्यादा लगाओगे, जीजे की वैल्यू कम हो रही है मतलब आप कम टॉर्क लगाओगे, और आपको थीटा तो उतना ही मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि जीजे आपका जितना ज्यादा रहेगा टॉर्क आपको उतना ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा शाफ्ट को घुमाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जीजे टर्म्स है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड टॉर्सनल रिजिडिटी, दैट इज द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, कई लोगों को लग रहा होगा कि खाली वेरी इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो बेटा कभी आप लोग एग्जाम का पेपर और एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, यहाँ से नंबर्स और क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है, और लोग क्या करते हैं पीछे एक्सप्लेनेशन में जाएंगे और वहां से रटते रहेंगे, ठीक है। तो रटना नहीं है, चीजों को समझ लो, कितनी चीजें आप रटोगे, जीजे जो आपका निकल कर आता है डेट इज कॉल्ड टॉर्सनल रिजिडिटी। तो ये हमारे पास जो टॉर्सनल रिजिडिटी आपको मिला हुआ, ये कहीं ना कहीं क्या है, शाफ्ट को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब आप याद करो एक चीज और, हमने AE भी लिखा हुआ था, याद है ये AE कहां पर आया हुआ था, डिफ्लेक्शन जो आता था डेल इक्वल टू क्या निकल कर आता था, डेल इक्वल टू निकल कर आता था PL अपॉन AE, और ये AE क्या था आपका, याद है मैंने लिखा भी था, AE आपका क्या था, डेट इज कॉल्ड एक्सियल रिजिडिटी। और एक्सियल रिजिडिटी का ये मतलब है क्या, कि एक्सियल रिजिडिटी जितना ज्यादा होगा बॉडी के अंदर डिफ्लेक्शन आपका क्या होगा, कम होगा, ये एक्सियल लोड के कारण था। तो इसको हमने क्या लिखा था, डेट इज कॉल्ड एक्सियल रिजिडिटी, याद आया। उसी तरीके से अगर आपको याद हो तो हमने EI बेंडिंग स्ट्रेस जब हमने पढ़ा है तो EI को भी हमने डिफाइन किया था, और EI को हमने क्या लिखा था, डेट इज कॉल्ड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये मैंने स्ट्रेस स्टेट में पढ़ाया था, लेकिन वहां पर मैंने इस चीजों को डायरेक्ट लिखा था, और आपको बोला था कि ये सब चीजें जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों को लेके आऊंगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान रखिए कि ये आपका जो जीजे है, जीजे आपका क्या टॉर्सनल रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब किसी भी शाफ्ट के लिए जीजे की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो मटेरियल में आपको क्या उतना ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस शाफ्ट को क्या, जो शाफ्ट है
आपका उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिजिड होगा। क्लियर है यहां तक? तो ये जो आपको मिला हुआ है, तो पहला चीज तो आपको सिनारियो दिख गया कि टॉर्शनल स्टिफनेस को लेकर जो हमने बात किया हुआ है, यहां पर जो हमने बात किया वो क्या चीज था, टॉर्शनल स्टिफनेस को लेकर। तो यहां पर देखिए मैं बात कर सकता हूं कि मुझे क्या है, बॉडी के अंदर शियर स्ट्रेस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, डेफिनेटली कम चाहिए। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जीजे की वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा जीजे, जीजे की वैल्यू अगर आप जितनी ज्यादा रखोगे, तो अब जितनी ज्यादा रखोगे तो उसके साथ क्या होगा, अब सुनो, जी आपका क्या मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जे आपका क्या, डेट इज द पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं ना कहीं क्या है, डाया पे डिपेंड करता है ना, ये जो आपका ये क्या है, जो जे है, जे आपका क्या है, डिपेंड करता है किस पे, डाया पे, फंक्शन है डाया का। तो जे इक्वल टू आपका क्या निकल कर आया था, याद है पोलार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए व्हाट इज जे, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 32 डी की पावर 4, यही तो था ना। तो जी जे की वैल्यू हाई करने का मतलब क्या, आपका डाया की वैल्यू क्या होगी, हाई, और डाया की वैल्यू अगर हाई होगी तो याद है हमने पहला रिलेशन क्या निकाला हुआ था, टाउ टी इक्वल टू हमने निकाला हुआ था क्या, 16 टी अपॉन पाई डी क्यू, यही तो था। तो अगर आप यहाँ पर D की वैल्यू बढ़ाओगे तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्या होगा, कम होगा, मतलब D की वैल्यू बढ़ाने से यहाँ पर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यही तो मेरा डिजायरेबल कंडीशन है, ठीक है। ये आपको एक्स्ट्रा है जो आपको पहले पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो जी जे आपका जो है, अगर ये हाई करेंगे तो डेफिनेटली जी जे बढ़ाने के साथ साथ आपका क्या होगा, ये बार का आपका डाया बढ़ेगा, बार का डाया बढ़ने का मतलब इस बार के अंदर जो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आ रहा है वो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे ये समझ में आया क्या, कि अगर मुझे किसी भी बॉडी के अंदर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस को कम करना है, तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस को कम हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। पहला, ये जो आपका पहली बात, तो डाया के हम लोग देख लिए, डाया को आप हाई रख दो। दूसरा, अगर हम लोग बात करें तो जो आपका मटेरियल प्रॉपर्टी है जी, इसको हम लोग, सॉरी, इसको भी हम लोग क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। तो ये हमने रख दिया जी हाई, ठीक है। और टॉर्शनल शियर स्ट्रेस अगर आपको कम करना है, तो यहाँ पर देखो, ये आपका डी बढ़ा रहे हो, तो देखो शियर स्ट्रेस यहाँ पर क्या है, इस पैरामीटर के साथ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये फिलहाल दो पैरामीटर को याद रखिए, कि जो हमारा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस अगर मुझे कम करना है बॉडी के अंदर, शाफ्ट के अंदर, तो डाया को बढ़ाइए और डेफिनेटली क्या है, जी को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो डेफिनेटली आपको इनवर्सरी रिलेशन दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखना होगा क्या, इस कंडीशन पे जब आप चीजों को बढ़ाओगे तो यहाँ दो पैरामीटर इन्वॉल्व है, तो एक पैरामीटर बढ़ेगा उसके कंपैरिजन में दूसरा पैरामीटर उसको डोमिनेट करेगा, और यहाँ पर उसके फिर क्या होगा, शियर स्ट्रेस कम होगा। और वहां पर थीटा और एल का पैरामीटर है, यहाँ पर जो हमने बात किया है, यहाँ पर हमने थीटा और एल को लेकर बात नहीं किया हुआ है, यहाँ पर हमने केवल क्या है, डी और जी को लेकर हमने बात किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपको मिला हुआ है, ये हमको क्या मिला है, डेट इज द टॉर्शनल शियर स्ट्रेस जो मिला हुआ है, और G इंटू जे आपको जो निकल कर आया, डेट इज कॉल्ड टॉर्शनल रिजिडिटी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब वर्डिंग आपसे एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, टॉर्शनल स्टिफनेस जो निकल कर आया हुआ है, टॉर्शनल रिजिडिटी जो आपको निकल कर आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर हमको जो चीजें समझ में आई है, ये हमारा एक इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हमने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद हमने टॉर्शनल शियर स्ट्रेस को देखा निकालना, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती है, और यहाँ पर किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू को हम लोग किस किस तरीके से क्या है, वेरी करा सकते हैं, किस पैरामीटर को बढ़ाकर, किस पैरामीटर को कम करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पर जो मैंने बात किया है रिलेशन को लेकर, और जो मैंने टॉर्शनल शियर स्ट्रेस निकालना आपको बताया है, डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो चीजें कंफ्यूजिंग है और जो चीजें आपको लग रही है, जब हम लोग डेफिनेटली जब क्वेश्चंस करते हैं तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट यूज करेंगे, तो वो चीजें आपकी क्या क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर SSC JEE का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।